हम अब इस सुनसान आइलैंड पर फंस चुके हैं जो कि समंदर के बीचों बीच है, और हम अगले 7 दिनों तक यहीं पर फंसे रहेंगे। और वो जो नाव जा रही है वो हमारा यहाँ से निकलने का इकलौता रास्ता थी। हम ऐसा क्यों करते रहते हैं? मुझे लगा मजा आएगा। इतने खूबसूरत होने के बावजूद लोग यहाँ पिछले 250 सालों से टिक नहीं पाए, लेकिन अगले 7 दिनों तक हम वही करने की कोशिश करने वाले हैं। और अंधेरा होने से पहले हमारे पास 4 घंटे हैं। यहाँ बहुत गर्मी है, रहने के लिए कोई जगह बनानी होगी। हम यहीं पर कैंप क्यों नहीं लगा लेते, ये जगह अच्छी लग रही है। तो चलो शुरू करते हैं। हम तीनों जाकर लकड़ियाँ लेकर आएंगे और तुम दोनों कैंप लगाएंगे। हाँ, मजे करना। चलो शॉन, कम ऑन चैंडलर। कैंप कैसे लगाते हैं? मुझे तो नहीं पता। तो हम तुरंत ही काम पर लग गए, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि हमारे ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है। इसमें जहरीला रस होता है जो तुम्हारी जान ले सकता है। हम अभी यहाँ पर क्यों खड़े? और इसी बीच नोलन और मैक एक फायर पिट बना रहे थे। मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा बनाया है ना? इसमें भी आग नहीं लगी। हाँ, ये बस आग लगाने की जगह है। और शॉन ने हमारे कैंप के लिए फ्रेम बनाना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें यकीन है ये हम पर नहीं गिरेगा? हाँ, लग रहा है जैसे शॉन हमारे डैड हैं। ऐसा कह सकते हो। और थोड़ा और सामान इकट्ठा करते करते हमें आसपास कुछ जानवर भी दिखाई दिए। वाह, उन चिकन्स को तो देखो। ए, रुको, इस तरह भागो मत। और हमें जल्द ही पता चल गया कि ये चिकन्स हमसे इतना डर क्यों रहे थे। ए, तुम क्या कर रहे हो? रुको, ये क्या है? ओ, ये एक चाकू है। क्या तुम उन चिकन्स को मारने वाले थे? प्लीज मुझे चिकन खाने दो। हम चिकन्स को नहीं मारेंगे। जिमी, तुमने कल रात डिनर में क्या खाया था? मत पूछो। हमने अपना पहला दिन कैंप बनाने में बिताया जो कि काफी आसान था। अब मैं आपको यहाँ का टूर दूंगा। ये रही आग जहाँ हम खाना बनाने वाले हैं। अब हम यहाँ पर सोने वाले हैं। इसी के साथ टूर खत्म। हम अपने साथ एक सर्वाइवल क्रेट लाए हैं जिसमें है खाना, पानी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक फ्लेयर किसी को चोट लगी तो। और जब तक सूरज ढला हमने लगभग सारा काम निपटा लिया था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। रुको रुको, सनस्क्रीन फ्लेमेबल हो गया ना? पहला दिन खत्म हो गया है और मुझे अभी से सनबर्न हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज मुझे अच्छी नींद आएगी। बस आज बारिश ना हो। कल हमें एक बड़ा कैंप बनाना होगा, और हमसे मेरा मतलब है डैड हमारे लिए एक बड़ा कैंप बनाएंगे। हाँ ठीक। जिमी, तुम मॉम जैसे हो, शॉन डैड। अब मैं चला सोने, अगले दिन मिलेंगे। नींद की पहली रात के दौरान हम खूब करवटें बदल रहे थे और हम